तो सीकर्स आप इस समय मेरी सबसे फेवरेट जगह उत्तराखंड में, और आपकी जो नेक्स्ट हॉन्टेड लोकेशन है वो है मसूरी में, द ब्यूटिफुल मसूरी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द क्वीन ऑफ द हिल्स। ये कहानी इस राजा की है जो कैलकटा से आए थे मसूरी घूमने, और उन्हें एक जगह बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने यहाँ पे एक महल बनाया, उसका नाम रखा राधा भवन। कहा जाता है उनको ये जगह इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने ये जगह कभी छोड़ी ही नहीं, अपनी अंतिम सांसों तक के ये राधा भवन में, इस महल में रहे। काफी वक्त के बाद एक यहाँ पे सुल्तान आए अफगानिस्तान से, और जब मसूरी घूमने आया उन्हें ये जगह दिखी, अब उनको भी पसंद आ गया। अब वो पठान थे, उन्होंने ये महल ले लिया और यहाँ रहने लग गए, और इनको भी अटैचमेंट हो गई जगह से। या फिर इस जगह को इनसे अटैचमेंट हो गया। सो कुछ वक्त के बाद जब सुल्तान इस महल में रहने लगे, ब्रिटिशर्स घूमते घूमते मसूरी तक पहुंच गए, और उन्हें भी दिख गया ये राधा भवन, ये महल। अब उनको भी पसंद आ गया, सुल्तान को बोला ये महल हमको दे दो। सुल्तान भी कम नहीं, सुल्तान ने कहा ये जगह तो मैं नहीं दूंगा। अब उनकी अटैचमेंट हो गई थी, तो वो जालसाजी करके भला फुसला के फंसा के उन्होंने सुल्तान से ये महल ले लिया और उनको कैद कर दिया। कहते 43 ईयर्स सुल्तान ऑफ अफगानिस्तान वॉज इन प्रिजन, कैदी थे 43 ईयर्स। और ये भी कहा जाता है कि जो उनकी अंतिम सांसें थी, उनकी एक ही विश थी कि उनको महल में, राधा भवन में दफनाया जाए। वॉट इफ कि यहाँ जाने के बाद मुझे भी वापस आने का मन ना करे। कुछ वक्त के बाद ब्रिटिशर्स के साथ भी अनहोनी होने लग गई, अजीब अजीब सी चीजें होने लग गई, एक्सीडेंट होने लग गए, परेशान होने लग गए, और ये सिलसिला चलता रहा। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग अबाउट दिस प्लेस और यहाँ की एंटिटीज के बारे में, कि यहाँ की जो एंटिटीज हैं वो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, भला फुसला के वहाँ अटका देती हैं और जाने नहीं देती हैं। एक तरह का एक माया जाल है, उसमें फंसा लेती है और फिर उन पर हावी हो जाती है, फिर उनसे ऐसी ऐसी चीज़ें कराती है जिनका कंट्रोल नहीं होता, उनका काबू नहीं होता। और जो सुल्तान की एंटिटी है वो यहाँ पे किसी को टिकने नहीं देती। बड़ी अचंभित बात है, isn't it? Yes, sir. So dual. What a great duality. Contradictory, yeah. Sir, what a great story. Oh, amazing. ऐसी stories हमने movies में ही सुनी होती हैं, but जब हमें पता चला कि actual में ऐसा एक जगह है जहाँ ऐसा सब कुछ हुआ है, तो it is a very big thing और हम बहुत ज़्यादा excited थे to actually go there and experience all of that. I'm a person who really likes to have a hold of myself. ठीक है, no one controls me. I control my mind. तो मैं बस चाह रही थी कि मैं इस जाल में ना फंस जाऊँ भाई। कहीं ना कहीं I feel all of these lords are connected by just one feeling of attachment and hatred of being taken away from that attachment. पहले के टाइम पे यहाँ पे थोड़े आवाज़ें भी सुनाई दिया करती थी पायलों की, कभी किसी के रोने की। जो सबसे ज़्यादा डरने की बात है, आप जैसे एंटर करेंगे, आप जब राधा भवन को देखते हैं आपको उसी को देख के थोड़ा डर महसूस हो जाएगा। जब आप अंदर एंटर करेंगे तो आपके खुद ही रोंगटे खड़े होने लग जाएंगे, आपके थॉट्स चेंज करती हैं, आप जो नहीं चाहते वो भी आपसे करवाएगी। तो होती है ये सारी चीज़ें, फील मुझे खुद हुई है, मैं गया हूँ। लोग कहने के तो पहले ये भी कहते थे कि रात को जो यहाँ उसका घोड़ा चलता था, शहनशाही उस टाइप का था ना, उस टाइप का, तो घोड़ा देखा तो नहीं होगा किसी ने, लेकिन घोड़े की जो टक टक की आवाज़ होती ना पैरों की, उसको देख के बोलते थे कि यहाँ जो है किसी उसका क्या घोड़ा चलता है। What a history, मतलब एक एंटिटी है जो आपको अट्रैक्ट करके अंदर रखना चाहती है, और एक एंटिटी है जो आपको अंदर नहीं रखना चाहती है। आपकी जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें आपको क्या समझ में आया? तो जब अंदर गए हम लोग,
जो एनर्जी मुझे फील हुई वॉज अ वेरी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी, मतलब कि बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, लड़ाई मार धाड़, बहुत केओस. एंड वो कॉन्फ्लिक्ट एंड केओस की एनर्जी के थ्रू मुझे यू नो लिटरली जैसे चीरती हुई आवाज़ आई एक मेल एंटिटी के चिल्लाने की. एंड आई ट्राई टू ट्यून टू कि क्या हो रहा है इसके साथ, ये क्यों चिल्ला रहा है, बिकॉज ही वॉज स्क्रीमिंग इन पेन. आई कुड फील दैट पेन. तो उसकी एनर्जी में जब मैंने ट्यून किया आई सॉ दैट ही वॉज बींग टॉर्चर. क्या आप यहीं पे रहते हो? अगर हाँ तो मुझे दो बार मिल सकता है. एक और बार. थैंक यू. थैंक यू. आपके साथ बुरा हुआ था कुछ? अगर हाँ तो हमको वापस एक बेल दीजिए. एक ही? वाओ, थैंक यू. तुरंत बता रहे हैं. एंड स्पेसिफिकली मुझे दिखा वॉज कि उसके नेल्स उखाड़े जा रहे थे, लाइक हिज बॉडी कुडंट टेक इट, ही डाइड देयर. सो इट वॉज अ वेरी अनकम्फर्टेबल विजन जो मुझे आया. उसके बाद आई सेंस्ड अ प्रेजेंस ऑफ मैनी फीमेल एंटिटीज. मैनी इसलिए बोल रही हूँ कि वो एक दो दस नहीं, बहुत सारी फीमेल एंटिटीज थी. एंड ये मतलब कि ऐसा फील हो रहा था कि इट वॉज लाइक अ वन वे ट्रैफिक फॉर देम, कि वो एक बार वहाँ पहुँच गई वो वापस नहीं निकल पाती थी वहाँ से. उनको जैसे स्लेव जैसा रखा जाता था. इनके साथ फिजिकल अब्यूज़ हुआ है, सेक्शुअल अब्यूज़ हुआ है, इनके साथ भी टॉर्चर हुआ है, इनकी किसी ने कभी सुनी नहीं. एंड इवन दे जस्ट डाइड देयर. एंड ये बहुत सारी. एंड जब इन्वेस्टिगेशन हमने किया तो हमारी कुछ थ्योरी ये निकली कि प्रोबेबली द मैन हु वाज शाउटिंग जिसको टॉर्चर किया जा रहा था इज अ सुल्तान. एंड जैसे आपने बताया कि ये एंटिटीज अट्रैक्ट तो करती हैं, सो दे आर नॉट अट्रैक्टिंग टू काइंड ऑफ लाइक आपको सता के वापस भेजने के लिए, नहीं, वो आपको अट्रैक्ट ही कर रहे हैं ताकि आपके ऊपर वो फीड कर पाए. तो वो लोगों को अट्रैक्ट तो करती है लेकिन जाने नहीं देती, क्योंकि इट्स बेसिकली फीडिंग ऑन देम. दे कैन मैनिपुलेट योर माइंड्स टू हार्म ईच अदर. जस्ट बी कॉशियस कि आपके टीम मेंबर शायद आपके अगेंस्ट हो सकते हैं. एंड इट कुड बी द एंटिटीज दैट इज फोर्सिंग देम, मैनिपुलेटिंग देम टू डू दोज थिंग्स. क्योंकि वही एग्जैक्टली तब भी हो रहा था, सुल्तान के साथ हुआ, ब्रिटिशर के साथ हुआ, बाकी लोगों के साथ भी हुआ, अभी भी होता है, हम जब गए थे तब भी हुआ था. यहाँ पे ना आई एम सेंसिंग मल्टीपल 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 फीमेल्स, नॉट जस्ट दो दस नहीं, बहुत सारे. इट्स लाइक जैसे पूरा भरा हुआ लग रहा है. चलते हैं अंदर, फिर अंदर ही देखते हैं ना. इफ यू गेट मोर. ये वही होगा यार जो मैं बोल रहा हूँ. बट कुछ और मिल रहा है क्या? फिलहाल तो इतना ही. फीमेल्स का ही लेके लाइक कपड़ा कितने हैं, एनी नंबर, एनी मोर डिटेल्स? नहीं. कुछ और? नहीं पता. आई मीन ऐसे नहीं समझ में आ रहा है. दिस ऑल नंबर राइट? आई जस्ट सॉ मेनी. अरे बट मेनी में भी तो जस्ट एन आइडिया. अरे क्या तो हाँ? जो आएगा वो बोलूंगी ना. अरे हाउ विल आई जस्ट मेक थिंग्स ऑफ पीपल. अगर फीमेल्स, आई कांट गेट अ नंबर. मुझे जो आ रहा है उतना बताना दे. चलो फिर निकलते हैं. हमारे अंदर भी जो सिंक है, वी स्टार्टेड झगड़ा करने लग गए हम लोग. एंड देन फॉर अ मोमेंट आई लाइक इट, वेट, ये हमारे साथ भी हो रहा है. अगर राधा भवन जाके उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गई तो हम चार पांच दिन पहले मिले हुए बच्चे क्या है भाई. मुझे तो लग रहा था मार पीट ना कर दे अंदर जाके एक दूसरे के साथ. यहाँ भी यही चल रहा था थोड़ी देर पहले. या एंड दैट्स व्हाट दे आर गोइंग टू टैप इनटू. यू गाइस आर ऑलरेडी रेडी फॉर देम नाउ. दे आर वेरी गुड इन ट्रिकिंग, लेट्स कॉल देम ट्रिक्सटर्स. एंड या दैट्स व्हाट दे आर गोइंग टू डू. इफ आई हैव टू लाइक सम इट अप, इट हैड अ लॉट ऑफ रेज, बहुत सारा पेन, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑफ कोर्स ट्रिक्स्टर एनर्जी. तो जो कोई भी जाएगा वहाँ पे उनके साथ बीवाई होने वाला है.